अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ख़ास DIY रेमेडीज। सॉरी, DIY रेमेडीज नहीं, DIY लिप बाम। हम आज बनाएंगे DIY लिप बाम। ये मेरे पास वैसलीन है, ठीक है। ये जो है ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल। ये देख लें अब, चूँकि विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है ये जम रहा है। ये देखें इस फॉर्म में ना ये आ रहा है, ये देखें आप। अब कुछ मेल्ट है, कुछ जो है ये जम गया। ये मेरे पास है जी एक प्लेट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम अपनी लिप बाम जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लेट को फ़िलहाल मैं साइड पे करती हूँ। इन चीज़ों को मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये बॉक्स। इमेजिन करें कि इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। इस बॉक्स के अंदर जो है वो है जी मेरी लिपस्टिक। ये मैंने सारी लिपस्टिक, लिप ग्लॉस जो है वो यहाँ पे बॉक्स के अंदर रखे होते हैं। इनमें से हम कुछ लिपस्टिक लेंगे और फिर हम जो है वो अपनी जो है कलर वाली लिप बाम जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। मेरे पास जो है ये दो जो है वैसलीन है। ये मैंने अब लिप बाम बनाने के लिए ना ये परचेज की थी, तो बाय की थी ये वाली। तो ये जो है ये मैं, ये देख लें फिनिश हो गई है। ये मैं इसको यूज़ कर रही थी मेकअप रिमूव करने के लिए। अक्सर हील्स पे लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये एम्प्टी हो गई थी तो फिर मैं न्यू ली थी छोटी सी। मैंने कहा इसकी जो है डिफरेंट लिप बाम लगा के रखती हूँ, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट है तो क्या ज़रूरत है इतने महंगे महंगे लिप बाम खरीदने की, वो भी सेम यही। और उनसे अच्छा बल्कि नेचुरल घर के इंग्रेडिएंट से हम ये वैसलीन जो है वो बना लेंगे, और वो भी कलरफुल। जैसा भी आपका ड्रेस हो वैसा आप जो है बहुत ही कलरफुल अच्छा सा लिप बाम अपने घर में रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी, मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ना थोड़ी थोड़ी बना के ना उसका आइडिया दूँगी, ठीक है। तो फिर क्योंकि ज़्यादा कलर्स में हम बना लेंगे, ठीक है। लिप बाम ये मेरे पास है, ये मैंने यूँ इतना छोटा सा इसका लिया है, इतनी क्वांटिटी में ये ली है, ठीक है। ये जो है मैंने इसके साथ जो है वो प्लेट में लगा दी है। अब इसमें से हम कोई भी लिपस्टिक चूज़ कर लेते हैं। हम कौन सी लिपस्टिक लेते हैं? सबसे पहले हम ये वाली लिपस्टिक मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये लिपस्टिक जो है ये मेरी बिल्कुल लिपटी हुई है, ये लिपस्टिक। इसको ये मेरा इतना फेवरेट कलर है ना कि इसको मैं फिंगर के साथ नापने ज़रूर लगा लेती हूँ। मैं क्या इसकी जान नहीं छोड़ने वाली, ठीक है ना। तो हम जो है ना पिंक कलर में सबसे पहले लिप बाम तैयार करेंगे। ये ना इसके ऊपर ये शेड बनाने के लिए उन्होंने लगाया होता है ना छोटा सा, ये भी लिपस्टिक का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये देखें आपको ये अच्छे से नज़र आ रहा हो। इसमें से मैंने कई दफ़ा लेके अपनी लिप बाम पहले भी तैयार किया, तो इसी में से हम थोड़ा सा जो है कलर ले लेंगे लिपस्टिक थोड़ी सी यूँ। तो हम अच्छे से जो है वो इसके अंदर ये वाली वैसलीन के अंदर जो है मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देख लें बहुत ही नाइस कलर में जो है पिंक शेड में हमने अपनी लिप बाम जो है वो रेडी कर ली है। अब हम सेकंड जो है वो मैं बनाती हूँ लिप बाम किसी और कलर में, ठीक है। इसकी सेम क्वांटिटी में ले रही हूँ, ठीक है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए। तो मैंने कहा फिर डिफरेंट शेड्स में जो है वो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये फिंगर से, क्योंकि बहुत ही ना ग्रीसी सी है ये, तो फिंगर से फिर सही रहता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे, ये मेरे पास है जी कॉस्मेटिक का 15 कलर है इसका, ये लिपस्टिक का। इससे ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, इससे मैंने कई दफ़ा जो है ना वो बनाई है, और ये ना टूट गया था, इससे मैंने बहुत दफ़ा जो है वो लिप बाम बनाई है, ठीक है। ये वाला मैं कलर लूँगी इसमें से, इसका कुछ पार्ट लूँगी। इसमें से मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, तो ये टूट गई थी लिपस्टिक मेरे से, मैं इसको लिप बाम के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये देख लें आप, ये कितना प्यारा क्यूट नाइस सा कलर। ये देखें ये प्लेयर शीशे की है, पता नहीं आप लोगों को पीछे से नज़र आ रहा है। ये देखें आप इसका कलर कितना नाइस है ना, दोनों के डिफरेंट कलर में। ये मेरा फेवरेट कलर है, ये मैं अक्सर घर में ना ये वाला लिप बाम बना के यूज़ करती हूँ। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं।
नेक्स्ट जो है ये भी मेरे पास कॉस्मेटिक का 20 नंबर है, इसका कलर लिपस्टिक का, ठीक है। ये वाली लिपस्टिक का भी यहाँ से मैं ऊपर से ना ले लूँगी, यहाँ से मैंने पहले बनाया हुआ है। ये इसका कलर ऑरेंज सा शेड है इसमें। ये इस कलर के हम लिप बाम तैयार करेंगे। इसका हम कुछ पार्ट्स वगैरह यहाँ से ले लेते हैं, पहले भी मैंने यहाँ से सिर्फ इतना सा, ये ना काफ़ी शेड जो है इसका तेज़ है तो इतना काफ़ी होगा। ये देख लें, लाइट सी ऑरेंज शेड है ये, ऑरेंज शेड में मैंने बनाई है। नेक्स्ट बनाते हैं, ये नेक्स्ट लिपस्टिक है मेरे पास कलर एसेंशन वालों की, B41 इसका जो है वो नंबर है। ये इसका ना कलर है, ये शेड, इसका शेड बहुत प्यारा है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, तकरीबन ये अब फिनिश होने वाली है, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा उतार लेते हैं, शेप ख़राब कर देते हैं इसकी, ठीक है। लिप बाम ही तो चाहिए ना फिर हमें अच्छी से कलर्स में, हर ड्रेस के साथ जो है वो हमें चाहिए। ये मैंने जो है वो 3 से 4 कलर्स में आप लोगों को लिप बाम जो है वो बना के दिखा दिया। यहाँ मैं आपको अपने हैंड्स पे ना, ये जो है फर्स्ट पिंक वाला कलर, ये वाली लिप बाम हमें लगाती हूँ। देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर है, लाइट सा इसका कलर आ गया है। घर में यूज़ करने के लिए पिंक शेड में आप लोग, अगर आपने पिंक ड्रेस पहनना है तो उसके साथ पिंक लिप बाम लगाएं, ठीक है। ये देख लें, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला, ये देखें, इसको आप लाइट करें, आप इसको डार्क करें, जैसे आपका जी चाहे आप इसको कर सकते हैं। आप इससे नेक्स्ट कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑरेंज सा ये शेड है, ठीक है ना। ये देखें आप कितने क्यूट से ये कलर, मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप घर में कितने अच्छे से लिप बाम जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिससे ना तो आपके लिप जो है वो ब्लैक होंगे, ना ही आप लोगों की जो है मनी वेस्ट होगी, आपकी रकम भी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है ना। आप घर में नेचुरल तरीके से बहुत ही अच्छे जो है वो लिप बाम जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये देख लें आप जैसे अच्छे से, ना ही आपके जो होंठ हैं ड्राई होने के बाद जो आपके होंठ के ऊपर जो वो क्या कहते हैं उसके जील्ड स्किन सी जो उखड़ सी जाती है ना, तो वो होगी, ठीक है ना। आपके हैंड देख लें, आपके लिप, सॉरी हैंड कह रही हूँ, तो आपके लिप जो है वो बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।